आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा शेयर करूंगा, कराची के अंदर ट्रेंडिंग पर चल रहा है जो लोग मिलकर अगर खा लेते हैं तो ये पिज़्ज़ा आप तमाम दोस्तों के लिए फ्री हो जाएगा। ये ठीक है, ये फजीता है जी, और ये आधा रॉकेट रेंच है, आधा अफगानी। अच्छा, और ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है इन्होंने। और तो फिर तो आपको पता है ना, अब शुरू करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुबा डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं बादराबाद की साइट पर मौजूद हूँ। आप तमाम दोस्त बार बार मुझसे कह रहे थे कि स्ट्रीट फूड के हवाले से कुछ आप रिव्यू लेकर आएँ, तो आज मैं आप तमाम दोस्तों की रिक्वेस्ट पर आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा शेयर करूँगा जो कराची के अंदर ट्रेंडिंग पर चल रहा है, जो बिग पिज़्ज़ा के नाम से आप तमाम दोस्तों को पता ही होगा। आज मैं वो बिग पिज़्ज़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन इसके साथ एक ऑफ़र के बारे में भी आप लोगों को बता दूँ। ये जो पिज़्ज़ा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पिज़्ज़ा होने वाला है, क्योंकि इस पिज़्ज़ा पे एक चैलेंज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर इस चैलेंज के मुताबिक अगर आप ये पूरा पिज़्ज़ा 3 लोग मिलकर अगर खा लेते हैं तो ये पिज़्ज़ा आप तमाम दोस्तों के लिए फ्री हो जाएगा। ये पिज़्ज़ा मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, ये तकरीबन 6 लार्ज पिज़्ज़ा के बराबर ये एक पिज़्ज़ा है, और इस पिज़्ज़े को आपने 3 लोगों ने मिलकर खाना है। अगर आप ये 3 लोग मिलकर ये पिज़्ज़ा मुकम्मल फिनिश कर देते हैं, वैसे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कर देते हैं तो ये तमाम पिज़्ज़ा आप तमाम दोस्तों के लिए फ्री हो जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ दो मेरे फ्रेंड्स और भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ। इमरान भाई मौजूद हैं और हमज़ा भाई मौजूद हैं और मैं भी हूँ। हम तीनों मिलकर इस बिग पिज़्ज़ा को खाएंगे इंशाल्लाह ताला। इनका जो चैलेंज है वो चैलेंज भी पूरा करेंगे। इससे पहले इमरान भाई से थोड़ा सा पूछते हैं कि इमरान टूर से कि क्या कहते हैं इमरान भाई, आप ये पिज़्ज़ा को फिनिश कर पाएंगे हम तीनों मिलकर? कोशिश तो है कि करना चाहिए, और भूख भी बड़ी कड़क लग रही है भाई। भूख तो मुझे ही बड़ी टाइट लग रही है बाकी मैं, और आज अपने व्यूवर्स को ये पिज़्ज़ा के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएँ भाई। पिज़्ज़ा इनका सुना तो है अच्छा, लेकिन एक बात बता दूँ, अगर नहीं कर पाए तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये तो बात है, अगर नहीं कर पाए तो फिर नुकसान हो जाएगा। फिर कितने पैसे इसके चार्ज करने देने पड़ेंगे चार्जेस? 4,500 का। 4,500 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप 3 बंदों ने नहीं खाया। देखिए, अब मैं इस टाइम पर जो ना, मैं हो गया और इमरान भाई हैं, हमज़ा भाई, हम तीनों मिलकर इस पिज़्ज़ा को ट्राई करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ कि इनका किचन और ये किस तरीके से पिज़्ज़ा को तैयार करते हैं ये तमाम चीज़ें दिखाएँगे, हमारे साथ रहिएगा। चैलेंज 3 लोगों का चैलेंज है, और 30 मिनट में ये भी है कि ख़त्म भी करना है उसे, ऐसे ही कुछ है। अच्छा, अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो फिर उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ज़रा सा इसके फ़्लेवर के बारे में बताइएगा, ये कौन कौन से फ़्लेवर? जी सर, अभी 4 फ्लेवर बनता है इसमें से जी। ये टिक्का ज़िला है, ठीक है। ये फजीता है जी, और ये आधा रॉकेट रेंच है, आधा अफगानी। अच्छा जी, और इसके ऊपर आप क्या कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे? अभी इस बॉटम में चीज़ डाल दिया, सॉस डाल दिया, बॉटम में चीज़ डाल दिया, इसके बाद वेजी आएगा, इसके बाद मीट आएगा, इसके बाद चीज़ आएगा। इसके साथ ये बताइए कौन से कितने इंच का पिज़्ज़ा है? ये है पूरा 30 इंच। 30 इंच का? 30 इंच है। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। ये चैलेंज पिज़्ज़ा यहाँ पर भाई मौजूद हैं, और ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है इन्होंने, और इनसे पूछते हैं कि क्या ये पिज़्ज़ा फिनिश कर पाएंगे वो भी 30 मिनट्स में। क्या कहते हैं सर? इंशाल्लाह कर लेंगे। कर लेंगे सेहत में भी माशाल्लाह। टास्क अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सर क्या कहते हैं आप? हो जाएगा। 30 मिनट का टाइम है आपने, 30 मिनट के अंदर ये 30 इंच का पिज़्ज़ा आपने फिनिश करना है, वरना तो फिर तो आपको पता है ना जी, बस फिर क्या, फिर पेमेंट पे करने पड़ेगी फिर आपको। तो ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं भाई, टाइम लगाइएगा ज़रा। इंशाल्लाह प्लेट के भी इंतज़ार नहीं कर रहे, बस इन्होंने उठा लिया चम्मच वगैरह, और ये अब शुरू कर रहे हैं। वॉच दिखाइएगा ज़रा भाई, ये वॉच देख लें भाई, ये टाइम स्टार्ट हो गया। चले भाई, तो इस वक्त ये देखें। तो सर क्या कहते हैं,
चैलेंज का? चैलेंज तो एक्सेप्ट किया, मज़ा आया, बहुत अच्छा टेस्ट था। अच्छा, इंजॉय किया हमने। बस ये कि हमारा एक पार्टनर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। अच्छा, वैसे हम अटैम्प्ट नहीं कर पाए, बस थोड़ा सा रह गया, बस समझ लें हाथ ही निकल गया, दुम रह गई। नेक्स्ट टाइम फिर आने का चांस? इंशाल्लाह फिर आएंगे पार्टनर चेंज करके, तो फिर अटैम्प्ट करेंगे, फिर अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। सर क्या कहते हैं? बहुत अच्छा रहा, अच्छा पिज़्ज़ा है माशाल्लाह से। और बस ये है कि इसकी जो साइड है इसकी वजह से थोड़ा सा इशू बना है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, सही है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम के लिए क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, खाने आते रहेंगे, अच्छी जगह है माशाल्लाह, एनवायरनमेंट भी सही है इंशाल्लाह, लेकिन हम उसको रोक। फाइनली तो भाई 30 इंच का पिज़्ज़ा ये आ चुका है, और ये देखें ये आ गया भाई, आ गया। और ये देखें भाई, ये है भाई 30 इंच का बेचा पिज़्ज़ा। वाह भाई, ये सेट करने का टाइम आ गया, और ये देखें भाई टाइम स्टार्ट हो गया, सिर्फ 30 मिनट है, बातें नहीं करना है। और ये देखें बस ये पिज़्ज़ा जल्दी से भाई, ये देखो हमजा जल्दी जल्दी से काटो, क्या हो गया? लगता तो नहीं है ये भाई, अब तो भाई हमजा तो स्लाइस नहीं कट रहा, हम लोगों की साइज देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखो भाई, ये देखो इमरान को देखो किस तरीके से। गाइस आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं। भाई हाथ से ही शुरू हो जाओ, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कंज्यूम है। और दो मिनट भाई पिज़्ज़ा ख़त्म करना जल्दी से जल्दी, इसको तो काटो यार। 3 मिनट हो गए यानी, 3 मिनट कटवा ही नहीं है मेरा तो, काटो। ये देखो भाई स्लाइस देखें भाई। भाई हमजा भाई क्या कहते हैं? भाई आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, ये बहुत गलत बात है भाई। लेकिन हमजा भाई लगे हुए हैं इस वक्त, हमजा खा रहे हैं अभी, हमजा जो है ना इस वक्त लगे हुए हैं, और हमजा ने बिल्कुल हार नहीं मानी है। और पिज़्ज़े की इस टाइम पर आप शक्ल देख लें, पिज़्ज़ा है और एक कोल्ड ड्रिंक भी आ चुका है। दरअसल इमरान भाई क्या कहते हैं? भाई पेट भर गया है मेरे तो। कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट तो अच्छा, लेकिन ये कि चैलेंज के हिसाब से क्या रिकमेंड करते हैं आगे? यार देख लें, वैसे तो मैं चैलेंज के हवाले से बताएं, चैलेंज के हवाले से ये कि मैं 100% श्योर हूं कोई भी नहीं कर सकता बिल्कुल, क्योंकि अभी हालत देख सकते हैं इस बार जो हमने खाया है तीन बंदों ने, बिल्कुल ही खाने वाले लोग हैं रोजाना, और ये हालत है। और ये देखें, लेकिन हमजा भाई ने अभी हार नहीं मानी है, हमजा भाई ने तो स्टार्ट किया हुआ है। हमजा भाई माशाल्लाह खा रहे हैं, और इनके सेज देख के लगता नहीं है ये ज़्यादा खा पाएंगे, लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी है। और मुकाबले में हम लोगों को देख सकते हैं बिल्कुल। और ये पिज़्ज़ा ही आप इस टाइम पर ये देखें भाई, सीन कुछ ऐसा है कि आपको इस पिज़्ज़ा के बारे में टोटल तमाम चीज़ें जो गाइड करनी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, चैलेंजेस के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पर जो लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आए थे उनसे भी हमने आप लोगों के लिए रिव्यू की रिक्वेस्ट करके उनसे हमने बात किया। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके की फूड, स्ट्रीट फूड आप लोगों के लिए वक्तन वक्तन लेकर आते रहेंगे। तो यहाँ से बिग पिज़्ज़ा से मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।